हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में हम लोग कल मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 15 का क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 16 इतना हम लोग 16, ठीक है ना। 16 के क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 15 तक हम जो है कल बता दिए थे, आगे देखिए 16 में क्या है। यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्य अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा हमने द्विघात बहुपद में पीछे में पढ़े हुए हैं, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना तो आपको जानते हैं। और इसमें आपसे ये कह रहा है कि शून्य द्विघात बहुपद है, द्विघात में दो शून्य होता है, द्विघात बहुपद में दो शून्य, एक अल्फा और एक बीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई क्या होगा, ए, इतना तो जानते हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या थी, सी बाई ए होता है, जो सिंपल सा ये तो हम जानते ही हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो देखा तो हमको दिया है, क्या दिया है, तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस क्या होगा, ए, ये दिया। तो कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो देखिए यहाँ से ये ए बराबर ए की जगह 1 होगा और बी की जगह क्या होगा, माइनस 6 होगा और सी की जगह क्या होगा, 8, ठीक है। ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि वाई वेरिएबल में है इसलिए वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, वाई का गुणांक माइनस 6 होगा, ठीक है। और सी इज इक्वल टू कितना, 8। और कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी में क्या, ए, तो सी की जगह क्या आएगी, 8 है, एक जगह क्या है बाबू, 1, तो 8 बाई 1 मतलब कितना जी, 8, ठीक है ना। इसलिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे 8 है, ऑप्शन कितना है, 8। अगर वही क्वेश्चन कब देता कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो देखिए माइनस का माइनस होता है, इस b के जगह क्या है बाबू, -6, तो -6 लिख देंगे। बहुत बच्चे एक चीज गलती कर जाते हैं, क्या, तो -b है ना, तो माइनस लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, b के जगह देंगे 6, तो 6 लिख देंगे। तो ये माइनस पहले से है, अब b का मान माइनस है, इसलिए ये ध्यान देना, नहीं तो आप लोग बहुत चीज यही गलती कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी 6 भी रहेगा, -6 भी रहेगा, तो फिर उसमें आपको कंफ्यूज जाएंगे। ए की जगह कितना आवा, तो माइनस माइनस कितना, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान 6 हो जाएगा। अगर पूछता अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो 6 बताते, लेकिन अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 70 नंबर में लिखा है बहुपद एफ एक्स 3x2 माइनस 7x प्लस 2, तो एफ माइनस 1 का मान क्या होगा। ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कोई बहुपद दिया है, आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना बहुपद, यानी कि एफ एक्स, यानी कि देखिए क्या दिया गया है, तो 3x2 माइनस 7x प्लस क्या बाबू 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया गया बहुपद में, क्वेश्चन किसका मान पूछ रहा है, एफ माइनस 1, तो चलिए यहाँ लिख दीजिए एफ माइनस 1, ये क्या है बहुपद, यानी कि x के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, माइनस 1, यानी जहां जहां x होगा उसके जगह आप माइनस 1 रख देंगे, तो 3 का 3 होगा, x के जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का 7, x के जगह क्या होगा माइनस 1 प्लस 2, समझ में आ रहा था। यानी कि आपको क्या करना था कि जहां जहां x था ना उसी के जगह माइनस 1 सिर्फ रख देना। अब आप वैल्यू जब निकालिएगा तो 3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अरे ये माइनस माइनस क्या होगा बाबू, प्लस, तो प्लस लिखेंगे 7 में 1 से मल्टीप्लाई 7, अब प्लस क्या होगा जी 2, जब इसको गुणा करेंगे तो 3 होगा प्लस 7 होगा प्लस 2 होगा, अगर सबको ऐड कर दें तो 7 × 3 = 10 कितना, 12, यही आपका आंसर 12। समझ में आ रहा ना, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, ठीक है। आगे आप देखिए इसमें 12 ऑप्शन दिया गया है, इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन हम देखिए 18 नंबर में x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य, x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य नोट करते चलेंगे कैसे बन रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्या होता है आप सॉल्व करिएगा या पीछे पता होगा तभी आप बनाइएगा। अब आप ये नहीं समझिएगा ऑब्जेक्टिव में चार दिया है तो चार को एक टिक लगा दें क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य, ये बहुत पहले बताया गया है। जैसे आप देखिए x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है t स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य अगर पूछ रहा है तो x का स्क्वायर देखिए x का स्क्वायर आ जाएगा और 3 किसका स्क्वायर बाबू तो √3 का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा ना। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक बार आप क्या लिखते हैं बाबू प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिख देती माइनस में, इसमें लिखते हैं माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसा कि आपको शून्य निकालना है x प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, शून्य बराबर जीरो, एक शून्य निकालना तो x बराबर ये माइनस निकल जाएगा तो इसमें बाबू माइनस रूट थ्री बोलो हो जाएगा ना। और फिर x माइनस रूट अंडर थ्री इक्वल टू जीरो तो x बराबर क्या होगा रूट अंडर थ्री, यानी कि एक माइनस थ्री होगा और एक क्या होगा रूट थ्री, यानी x का मान जो आया एक माइनस रूट थ्री आया और एक क्या आया रूट अंडर थ्री, यही क्या है बाबू शून्य है, समझ में आ रहा है शून्य है, यानी कि माइनस रूट अंडर थ्री रूट थ्री ये शून्य होगा किसका तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का। तो आप देखिए ये ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा बी, ठीक है। उसी तरह से आप टी स्क्वायर माइनस 15 का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर लिखा निम्न में कौन 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 का मान होगा। तो देखिए तो इसका वैल्यू तो आपको सॉल्व करके निकालना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इस तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करिए और उसको आप सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालिए। जैसे हम आपको समझा देते हैं देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 6x है माइनस 2y इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पे है 10x है प्लस 2y है इक्वल टू क्या है 32, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है सेकंड, ये वैल्यू निकालना है तो हमें बताइए इसका मान कौन होगा, यानी कि x और y का मान बताना। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ 2y दोनों सेम है, प्लस में माइनस तो कट जाएगा आसानी से, आप इसको ऐसे ही कटा दीजिए प्लस माइनस से तो कट जाना है। अब ये क्या होगा जुड़ेगा तो 10 और 16 होगा कि नहीं, और जो जाएगा 0 जुटेगा तो 32, तो x बराबर 32 बटा कितना जी 16 कितना हो गया, x का मान कितना जी 2, x का मान 2। अब देखिए यहाँ भी क्योंकि ये तो होगा नहीं क्योंकि x का मान 6 है, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ x का मान 6 है, ये होगा यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा क्योंकि हमने x का मान निकाला है 2, ठीक है। तो x का मान यहाँ 6 है, x का मान यहाँ 6, ये तो दोनों हो गए इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए x का मान 2 यहाँ है, x का मान 2 यहाँ है, लेकिन अब y का मान यहाँ 6 है, y का मान 2 है, x का मान यही दोनों में से कोई होगा। अब आगे वैल्यू निकालेंगे तो इसे x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दें तो y का भी मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या होगा वो तो 6x - 2y = 0 यानी कि 6 का 6 होगा और x की जगह क्या रखते हैं 2 तो रख देंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 0, 6 गुणा कितना जी 12, माइनस 2y इक्वल टू कितना 0, अब यहाँ 12 का 12 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, बोलो होगा कि नहीं जी, तो y बराबर क्या होगा जी 6, अब 2 और कौन सा जी 6, तो 2 और क्या है बाबू 6, यानी कि इसका कौन सा होगा b, समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ दोनों सेम है 2 और 2 तो होगा नहीं, इसलिए x का मान 2 और y का होगा। जानिए कैसे सही या गलत है तो आप क्या करेंगे ना x की जगह पे आप 2 इसमें रख दीजिए, y की जगह 6 रख दीजिए, दोनों अगर इसके बराबर आ जाएगा तो कह सकते हैं क्या है सही, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज को ना समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जो भी बताया गया है यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो आप वैल्यू रखेंगे x की जगह 2 रख दें 6 गुना 12 और y की जगह 6 रख दें 6 गुना 12 प्लस माइनस कटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, यू नो 20 नंबर, आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
20 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, यदि रेखा है 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 समानांतर है तो p का मान, तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन जानना होगा कि दो रेखाएं समानांतर कब होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखाएं समानांतर होने के लिए कौन सा कंडीशन है, तभी आप बता पाइएगा। जैसे आप देखिए 4x + py = क्या है 6 है, 12x प्लस 9y इक्वल टू क्या है 15, किसका मान निकालना है p का। तो आप लिख सकते हैं सीधे तौर पे रेखाएं समानांतर, रेखाएं समानांतर होती है, रेखाएं समानांतर होती या होंगी यदि कौन से कंडीशन बाबू, तो a1 में a2 होता है इक्वल टू b1 में b2 होता है नॉट इक्वल टू c1 में c2। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तभी हम लोग रेखाएं समानांतर होती है। अब देखिए आपको वैल्यू निकालना है किसका, p का। a1 by a2 मतलब 4/12 4/12 होगा कि नहीं। फिर b1 by b2 है तो b1 की जगह p है और b2 की जगह 9 है, बोलो होगा जी नॉट इक्वल टू c1 by c2 मतलब 6/15 जी। आपको p का ही मान निकालना है तो आप ये दोनों ले लीजिए और इसी दोनों से निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p बोलो होगा कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p हो जाएगा, आइए क्रॉस गुणा करेंगे तो 9 चौका कितना 36 हो जाएगा। तो अब बताइए कि p का जो मान होगा कितना होगा जी 12 × 36 बोलो होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना p का मान 3। अब देखिए इसमें कौन सा है p का वैल्यू 3, ये b b बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व यदि कोई नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप पीछे बैक रिवर्स करके आप इस चीज को देखेंगे जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहां तक हम लोग पढ़े 20 तक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।